जी, आज हम आ चुके हैं एक एंशियंट सिविलाइजेशन की एक बहुत ही कदीम प्लेस पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर पार्कर नागर पार्कर में वाकई है। और हम अभी आए हैं इस जो टेम्पल का नाम है, यहाँ पे एक विलेज में वाकई, तो उसके नाम से ही है। इसका नाम है गौरी मंदिर, जो कि हिंदी में और उर्दू में ज़बान में मंदिर ही कहा जाता है। तो इसी हिसाब से इस टेम्पल का नाम है गौरी मंदिर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कदीम चीज़ें नज़र आती हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन की ये चीज़ें हैं। जैसे कि आप ये व्यू देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ है। और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टूटा हुआ है, लेकिन इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी जो कि प्लेस है। तो इसके ऊपर हम चढ़ने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ से कोई देखते हैं जगह, और इसके आगे चलते हैं। और आगे कुछ अंधेरा है, तो वहां क्या चीजें नजर आती हैं। ये है अपने जो पार्श्वनाथ का मंदिर। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या सिस्टमेटिक है। तो बहुत ही अंधेरा है अंदर, कुछ खौफनाक चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हम अंदर अभी और जाके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कि इसे बिल्ड किया गया है, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इसका सेंटर है। और ये इसकी टोटली व्यू है यहाँ से, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, वो पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि ये एंशियंट टेम्पल है, लेकिन पता नहीं ये आखिर चीज़ क्या थी। और यहाँ पे कुछ ऐसी जो कि एविडेंसेस मिलते हैं, जिसके बेस पे इसे टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, टूटा फूटा निज़ाम है, यहाँ पे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं इसके जो कि अंदर। मूर्तियां जो हिंदू मज़हब में जिसको पूजा करते हैं, आइडल्स, वो भी इसके अंदर हैं, और हिंदी ज़ुबान में लिखी हुई है। तो बहुत ही, ये जब सब कंटिनेंट था, जब इंडिया पाकिस्तान सब कुछ एक ही था, तो उससे भी ये तो बहुत ही पुराना है। इसकी जो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना पुराना है। और जिस तरीके से आप इसकी जो कि बनावट को देखेंगे, तो ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना पुराना है। और मोस्टली यहाँ पे संगमरमर का जो पत्थर जो कि था, कीमती जो पत्थर है, और उससे भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन वो कीमती पत्थर था, तो यहाँ पे उन चीज़ों को गवर्नमेंट संभाल ना सकी, और उनको ले जाया गया और बेचा गया। तो बहरहाल अब वो चीज़ें बताई जाती हैं, और काफ़ी टाइम पहले भी हम यहाँ आए थे, तो भी इस तरीके से जो कि बातें या मनगढ़ंत कहानियाँ कहें, लेकिन ये सच है, क्योंकि यहाँ पे संगमर पत्थर था, और यहाँ पे कुछ बाहर अभी भी है आई थिंक। तो उसी हिसाब से बड़ा वो एक अलग बात है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, पूरा व्यू देखते हैं कि ये किस तरीके से नज़र आता है। तो ये आगे का व्यू है, और आप एक और बहुत ही कमाल की चीज़ें, एंशियंट चीज़ें जब हम घूमते हैं, तो एक अजीब सा हमें लगता है, और बहुत ही इंजॉय होता है। लेकिन संभल के अब हम आगे जाते हैं, और आपको पूरा जो कि व्यू है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम ऑन। ये जो इसका एंट्रिंग गेट है, तो ये देख सकते हैं ये किस तरीके से है, और लेट्स कम ऑन। टेम्पल का जो बाहर का व्यू है, जिस तरीके से एंशंट चीज़ें को आप कंप्लीटली देख सकते हैं, ये कैसा जो दिखता है, तो ये देख सकते हैं। ये सारे दोस्त हम जो कि टूर पे आए हैं, एक नॉर्मल सा जो हमने सोचा था कि किस तरीके से कुछ ब्लॉगिंग भी होती है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी पहली ब्लॉगिंग है, और पहला प्लान है। कुछ सोचा था, देखा था यूट्यूब पे ऐसे काम करते हैं, लेकिन सिंपल ही फॉर्म में हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब दोस्त इसको सपोर्ट भी करेंगे, और आगे हम बहुत ही अच्छी अच्छी एंशियंट चीज़ों को लाएंगी, और टूरिज़्म के साथ हम बहुत ही इंट्रैक्शन करेंगे, और इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे भी जाने के लिए आप हमारी मदद करने में उम्मीद है कि कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, और अपने साथ फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो हम बना सकें। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि एडिटिंग किस तरीके से होती है, और बहरहाल कट तो हो जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से दिखाना है, तो इस हिसाब से कम्प्लीट देखिएगा। हम हमारी कोशिश करेंगे, आपको उम्मीद है कि आप दिल से सपोर्ट करेंगे। वैसे भी जो कि फर्स्टली वीडियो होती है बंदे की, तो नई एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे लगेगा कि ये मुझे लग रहा है अभी कि ये मेरी पहली ब्लॉग है, लेकिन एंशियंट चीज़ों को समझाने और देखने, उस चीज़ों को पढ़ने की एक नई तौफीक होती है। तो इन चीज़ों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे देखने की, और अब देखते हैं बाद की बातें, कभी और वीडियो करेंगे।
कि एक जो पांडवों के दौर में एक चीज़ होती है जहाँ पे वो एक ज़मीन में खड्डा खोद के आगे निकल जाते हैं, ये एक आपको शायद आपने महाभारत में देखा होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब हम अभी खड़े हैं, तो उसके बीच एक छोटा सा टेंपल है और इसी जगह की अंदर से ज़मीन के नीचे पुकार जाती है जिसको हम गुफा कहें, तो उसमें हम जाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उसमें रियलिटी है और क्या हम जा पाएंगे। और लोग तो यहाँ से निकल ही आ रहे हैं इसके बाहर, और नेक्स्ट गेट हम इसके जाने के अंदर कोशिश करते हैं। तो यही वो चीज़ है। तो ये वो गुफा है जो बताया जाता है, ऐसे एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो उसके बारे में कोई भी अभी हम कहे कुछ भी नहीं कह सकते, एक मिस्ट्री के बेस पे हिंदू मज़हब में है कि जो पांडव निकले थे तो वो इस ज़मीन से होकर गए थे। तो ये जो कि है ज़मीन के अंदर एक जा रहा है जो कि बहुत ही गहरा है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस है इसके अंदर जाना, और हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत से लोग अंदर गए थे, उनको बाहर निकाला गया और कहा गया है कि यहाँ पे मना किया गया है कि इसके अंदर ना जाएं। और ये बाहर का व्यू है उस होली टेम्पल का।